हेलो एवरीवन, सीताज रेसिपीज में आपका स्वागत है। बच्चों का टिफिन हो, ब्रेकफास्ट हो, शाम की चाय हो, या कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो एक ही सवाल रहता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट हो और झटपट से बन भी जाए। तो आज हम बनाएंगे मसाला पूरी। इसके लिए हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बारीक वाली सूजी, आधा कप बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कसूरी मेथी जिसको हमने हाथ से मसलकर पाउडर जैसा बना दिया है, 1 चुटकी हींग, ये ऑप्शनल है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच भुना पिसा जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि पूरा मिक्सचर स्मूथ ना हो जाए, कहीं भी कोई लम्स ना रहे। देखिए, ये मिक्सचर एकदम स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को ना तो रोटी जैसा नरम बनाएंगे और ना ही पूरी जैसा टाइट, मीडियम सॉफ्ट डो ही बनाएंगे, क्योंकि सूजी भी थोड़ा फूल जाएगी तो डो बाद में थोड़ा टाइट हो ही जाएगा। देखिए, ऐसा डो तैयार हुआ है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो को एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे। अब डो बिल्कुल तैयार है। हम बेलन पर और बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि बेलते समय पूरी उस पर ना चिपके। हम पूरी पर सूखा आटा नहीं लगाएंगे। अब हम थोड़ा डो लेकर उसके एजेस को अंदर की तरफ करके धीरे धीरे हथेलियों से प्रेस करते हुए एक पेड़ा बनाएंगे। अब उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हल्के हाथों से धीरे धीरे उठा उठा कर गोलाकार में बेल लेंगे। पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। इसी तरह हम सभी पूरियां तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, पूरी को हल्के हाथ से ही बेलना है, नहीं तो पूरी फट सकती है। अब हम इन पूरियों को डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें इतना ऑयल लेंगे कि पूरियां अच्छे से फ्राई हो सकें। ऑयल को हाई हीट पर गरम करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो गैस को मीडियम हीट पर कर देंगे। ध्यान रहे, पूरी को हमेशा तेज़ गरम ऑयल में ही फ्राई करें। कम गरम तेल में पूरी फूलेगी भी नहीं और कड़क भी हो जाएगी। तेल बिल्कुल तैयार है। हम पूरी को धीरे से ऑयल में डालेंगे और ऊपर से पलटे से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इससे पूरी एकदम फूल जाती है। अब दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए, कितनी फूली फूली और खस्ता पूरी बनकर तैयार हुई है। आप इनको अचार, रायता या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मसाला पूरी कचौरी से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आप भी इन झटपट सी बनने वाली मसाला पूरी को बनाइए और कचौरी के स्वाद का अनुभव कीजिए।